नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, HSSC CET भर्ती के एग्ज़ाम का शेड्यूल आप न्यूज़पेपर में डेली देख रहे हैं। कभी 15 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 1 जुलाई, मतलब ये देख देख के शायद आप भी परेशान हो गए होंगे। तो इस वजह से बहुत सारे साथियों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि जी बार बार कभी कुछ बताया जा रहा है, तो हम किस हिसाब से तैयारी करें। तो इससे संबंधित मैंने HSSC में बात की थी, तो उन्होंने क्या बताया है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, और बिल्कुल एग्जैक्ट ऑफिशियल जानकारी मिलेगी और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक कमेंट आ रहे थे कि जो CET का रिवाइज रिजल्ट है उसका क्या रहा, तो इसके बारे में भी HSC ऑफिस से बात हुई है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, जो CET मेंस का एग्ज़ाम का शेड्यूल है आपने देखा होगा, एक दिन 15 तारीख का भी दे रखा था न्यूज़पेपर में, एक दिन 20 का भी दे रखा था, एक दिन 1 जुलाई से 30 सितंबर का भी दे रखा था। अब बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, तो इससे संबंधित मैंने HSSC ऑफिस में कॉल की थी आज, और उनसे ये पूछा था कि सर जो HSC का CET का जो मेंस का एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो कब तक आने के चांस है और कब जो एग्ज़ाम है वो होंगे। तो उन्होंने ये बताया है कि फ़िलहाल है हम जो एग्ज़ाम हमारे फार्म भरे गए हैं तो इसके ऊपर जो 4 गुना की एक्सरसाइज है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा NTA से जो रिवाइज रिज़ल्ट आना बाकी था उसमें अभी टाइम लग रहा है, वो रिवाइज रिज़ल्ट अभी तक HSC के पास नहीं आया है। यानी कि हमारा जो रिवाइज रिज़ल्ट था, जो एक्स्ट्रा नंबर थे 5 नंबर, और इसके अलावा हो सकता है वो जो रिवाइज आंसर की है उससे संबंधित भी कुछ बदलाव हो जाए, तो जो रिवाइज रिज़ल्ट है वो NTA ने अभी नहीं दिया है, और उसमें शायद हो सकता है समय भी लग जाए। तो जब ये रिवाइज रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हमारा मेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल डलेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ बदलाव भी हो जाए। कि कुछ बच्चों ने मान लो फार्म भर दिए रिवाइज रिज़ल्ट में, वो मान लो CET क्वालिफाई ना हो तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो इस तरह की कई सारी दिक्कतें हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा ये बताया कि NTA से जब रिवाइज रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ये शेड्यूल बनेगा, और लगभग मान के चलें कि आपका जून में कोई भी एग्ज़ाम होने के कोई चांस नहीं है। एग्ज़ाम होंगे जुलाई में होने के पूरे पूरे चांसेस है, जून में अभी आपका कोई भी एग्ज़ाम होने के चांस नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये HSSC में जो हेल्प डेस्क पे है उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि अगले आपका जो है 1 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होने के चांसेज है, जून में अभी कोई ऐसा शेड्यूल आने के चांस नहीं है, उन्होंने ऐसा ही बताया था। तो ये एक अपडेट थी, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी तो इसको दूर करने के लिए मैंने ये जो है HSC से कन्फर्म किया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको वीडियो कैसे लगी ये भी आप ज़रूर बताएं।